यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग बात करेंगे रिसेंट ट्रेंड्स इन एचआरएम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं सुने होंगे कुछ कुछ टॉपिक। तो प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन सो वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास दैट इज ऑल अबाउट द रिसेंट ट्रेंड्स इन एचआरएम। आज के पेपर, आज के टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे पक्का। बहुत नए नए जॉब इनलार्जमेंट की बात करिए, जॉब इनरिचमेंट की बात करिए, करियर प्लेटिव की बात करिए, मैन पावर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, पीटर प्रिंसिपल, गोल्डन पैराशूट, तो कई सारी चीजें हैं जो बिल्कुल नया है आपको, आपके लिए। कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें नया होंगी इसमें। तो एक बार जल्दी सभी लोग ऑनलाइन आ जाए ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें। प्लीज डू ज्वाइन एवरी वन। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, सेशन को स्टार्ट कर दें हम। रिसेंट ट्रेंड्स इन एचआरएम। हमने बाद में पूछा था यूसी, तो आप लोग पहले देख लिया करिए, कल का भी लेक्चर उठा के देख लीजिए। हमने कल लास्ट में आपको 5 मिनट दिया था कि इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेरी दे मे आस्क, तो आपने लास्ट में नहीं पूछा। दिस इज टोटली योर फॉल्ट। क्लास के बीच में चलते हुए क्लास डिस्टर्ब होगा, इसलिए दैट इज द ओनली रीजन आई डिडंट टेल द क्वेरी। अब बाद में देख लीजिए, कल क्लास में पूछा भी था, 5 मिनट दिया था कि किसी को एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेरी तो प्लीज डू टेल मी। नोबडी रिस्पॉन्डेड। एक्चुअली ऐसा नहीं करता कि हम कभी क्वेरी नहीं लेते हैं, लेकिन आप लोग, हम आपसे पूछ रहे हैं कि 5 मिनट आपको दे रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो दैट टोटली योर कॉल, नॉट माई कॉल। प्लीज मेक श्योर वेन एवर आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अदरवाइज आफ्टर दैट इट इज टोटली योर कॉल एंड आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम। टूडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट रिसेंट ट्रेंड्स इन एच आर एम, लेक्चर नंबर 7। प्लीज डू ज्वाइन एवरी वन। ऑल दोज कैंडिडेट हु आर ज्वाइनिंग इन अ वेरी फर्स्ट टाइम, माई नेम इज अनुभव सिंह। सिंस 11 ईयर्स आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। I used to work with India's top teaching and research organizations, IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sardar, IPM Lucknow, IFMTR, UP government. Mentored and guidance more than 1000 plus candidate for UGC NET in commerce, management and economics. Cracked the UGC NET GRF 4 times in a commerce and management. Published more than 20 research papers in a top quality index journals like Scopus, TR, UGC CARE, UGC Listed, MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट रिसेंट ट्रेंड्स इन एचआरएम। फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंसी ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ऑल अबाउट द करियर प्लानिंग? एक करियर प्लानिंग होता है, एक मैन पावर प्लानिंग होता है, एक सक्सेशन प्लानिंग होता है। तो सभी हम हर चीज की डिस्कशन करेंगे एक एक करके। तो स्टार्टिंग द लेक्चर विद द करियर प्लानिंग। जैसे कि नॉर्मली पता है, टूडे इज द ओवर चेंजिंग वर्क एनवायरमेंट। टूडे इज द ओवर चेंजिंग वर्क एनवायरमेंट मीन्स इंप्लॉयज आर वल्नरेबल टू करियर डिस्ट्रप्शन और स्टेग्नेशन। सो करियर प्लानिंग इज क्रिटिकल। दस इंप्लॉयज मस्ट कंटिन्यू टू डेवलप देयर स्किल्स टू इंश्योर दैट दे पॉजेस द कॉम्पिटेंसीज दैट द करियर प्लानिंग का अगर हिंदी में समझने की कोशिश करिए, करियर प्लानिंग का मतलब है कि हाउ एक्चुअली यू आर मेकिंग द करियर, और आपको अगले 5 साल की, 10 साल की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, और कैसे जो भी एक समाज में या जो भी एवर चेंजिंग, जो भी इन्वायरमेंट लगातार आजकल चेंज हो रहा है, उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए आपको किन किन करियर स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, वही स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। तो करियर प्लानिंग इज ऑल अबाउट हाउ एक्चुअली यू आर जनरेटिंग योर स्किल्स, हाउ एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग योर स्किल टू एडजस्ट विद द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। ओके, क्लियर? ठीक है। तो मतलब नॉर्मली करियर प्लानिंग की अगर हम लोग बात करें कि करियर प्लानिंग आज अपने कोई, और करियर प्लानिंग में हम लोग ये भी करते हैं, पाथ दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे कि आपको अगले 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में कहां पर आप पहुंचेंगे। क्योंकि दुनिया का हर आदमी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है तो एक समय के बाद उसका प्रमोशन होता है। तो पाथ, एक करियर प्लानिंग इज अ वेरी सिस्टमेटिक प्रोसेस। एक्चुअली इट इज अ वेरी सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय व्हिच वन सिलेक्ट द करियर गोल्स एंड पाथ टू दिस गोल्स।
from the organization viewpoint, it means help to get, it means helping the employees to plan their career in terms of capacities within the context of organizational needs. मतलब कुल मिलाकर एक organizations की responsibility होती है, organizations की responsibility होती है कि career की, एक इंसान के करियर की प्लानिंग करे कि आज आपने अभी ज्वाइन किया आप भी आपने ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर पे, आप 5 साल काम करोगे तो आपको एसोसिएट बना देंगे, फिर 5 साल काम करोगे फिर आपको प्रोफेसर बना देंगे, फिर एचओडी, फिर डीन. तो दैट इज ऑल अबाउट द करियर प्लानिंग, टू प्लान सर्टेन थिंग्स. ठीक है, क्लियर है ना. तो इट इज ए वेरी सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है हर एम्प्लॉयज के लिए, लगातार एक लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है. ऑर्गेनाइजेशन हर इंसान के लिए एक करियर पाथ दिखाता है कि आप 3 साल काम करोगे तो आप एग्जीक्यूटिव से एरिया या असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर से डिप्टी मैनेजर, या जो भी करियर पाथ है. तो कुछ करियर पाथ को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करियर प्लानिंग करते हैं. करियर प्लानिंग कौन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन करियर प्लानिंग करता है, ताकि आपको जो एवर चेंजिंग वर्क एनवायरमेंट में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसको उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर सकें. फिर उसके बाद जो भी स्किल सेट आपको रिक्वायरमेंट है, आपको अगले 3 साल में 5 साल में 10 साल में आपको प्रमोशन होना है, तो वॉट एवर द स्किल सेट और रिक्वायरमेंट, जो भी स्किल सेट रिक्वायर्ड है उसके अनुसार आपको ढाल सकें, उसके अनुसार आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें. ठीक है, तो करियर प्लानिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस वाई विच वन सिलेक्ट द करियर गोल्स, विच वन सिलेक्ट द करियर गोल एंड द पाथ वाई दिस गोल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पॉइंट. अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे, it means helping the employees to plan their career in terms of their capacities within the context of organizational need. clear hai na, ki employees kya karta hai, ek organization kya karta hai, employees ki help karta hai career planning ke liye uski capacity ke anusar aur organization ke context mein, organizations ki need ke anusar, ताकि उसको अगले 5 साल में क्या प्रमोशन मिलना है, क्या उसका इंक्रीमेंट होगा, कौन सी पोस्ट पे जाएगा, सब कुछ हम लोग करियर प्लानिंग के तहत प्लान करते हैं. दस इंप्लॉयज मस्ट कंटिन्यू टू डेवलप देयर स्किल्स टू इंश्योर दे पॉजिस द कॉम्पिटेंसी दैट द मार्केट नीड. तो इसीलिए हम लोग ट्रेनिंग, हमने कल आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज के लिए भी हम लोग क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग. आपको याद होगा तो कल आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग के बारे में बताया था ना, तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग यही होता है. रिफ्रेशर ट्रेनिंग में अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं. तो एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय मस्ट कंटिन्यू टू डेवलप देयर स्किल्स, उनको लगातार अपनी स्किल्स को डेवलप करना है. डेवलप देयर स्किल्स टू इंश्योर दैट पॉजेस द कॉम्पिटेंसी दैट द मार्केट नीड, ताकि मार्केट में जो जरूरतें हैं, मार्केट की जो नीड है, उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाए, अपने अनुसार उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर पाए. अगला आया बाउंड्रीलेस करियर. बाउंड्रीलेस करियर क्या होता है, ये सेकेंड टर्मिनोलॉजी है. Career that involves switching jobs, specialization, companies, industries and locations. They may involve upward, they may involve downwards or sideway movement. Part-time will be become the more important. Job insecurity is a key sources of social anxiety. So, क्या है? Career that involves the switching job, एक job से दूसरे job में आप switch कर रहे हो. Specialization आपका change हो रहा है बार-बार. Companies change हो रही है, industries change हो रही है और location change हो रही है. इसको हम लोग बोलते हैं boundaryless करियर. ठीक है, एक बार आप मार्केटिंग में चले गए, उसके बाद ऑपरेशन में चले गए, एक बार पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थे, फिर टेक्सटाइल में चले गए, टेक्सटाइल से आप अपेरल्स में चले गए, अपेरल से फूड में चले गए. इसको बोलते हैं हम लोग बाउंड्रीलेस करियर. ठीक है, क्लियर है ना. तो व्हाट एक्चुअली वी डू इन अ बाउंड्रीलेस करियर, हम लोग क्या करते हैं, क्लियर है ना. तो बाउंड्रीलेस करियर्स आर दोज इन विच इंडिविजुअल्स वर्कर कैन मूव अक्रॉस द बाउंड्रीज बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्क यूनिट्स विद इन द एम्प्लॉयर्स, डेवलप देयर करियर्स इन एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क और इन्फॉर्मेशन एंड रिजेक्ट द एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क रिलेटेड और नॉन वर्क रिलेटेड रीजंस. तो एक जो ट्रेडिशनल है कि आप टेलीकॉम में लगातार टेलीकॉम में बने रहिए, पूरी जिंदगी टेलीकॉम से रिटायर हो जाइए, बस बाउंड्रीलेस में क्या होता है, आप विद इन द डिपार्टमेंट भी अपनी जॉब को स्विच कर रहे हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हो. एक बार आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ भी रहे हो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, दूसरे टाइप का इंडस्ट्री चेंज कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन चेंज करना, स्विचिंग द जॉब, स्विचिंग द लोकेशन, स्विचिंग द कंपनी, दैट इज कॉल्ड बाउंड्रीलेस करियर. क्लियर है ना, समझ गया बाउंड्रीलेस करियर, कोई डाउट करियर प्लानिंग और बाउंड्री लेस में, कोई डाउट बताइए.
सीधी सी बात है, बाउंड्री लेस करियर में क्या आपका कभी कभार अपवर्ड प्रमोशन भी हो सकता है, कभी कभार डाउनवर्ड भी हो सकता है, कभी कभार आपका और साइड वे मूवमेंट, आप सेम डेजिग्नेशन पे जाएं। पार्ट टाइम विल बिकम द मोर इंपॉर्टेंट हो सकता है, पार्ट टाइम आप फुल टाइम कुछ कर रहे हैं, पार्ट टाइम आपने और कुछ कर लिया, दो जगह पार्ट टाइम कर लिया ताकि अपने करियर में डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता रहे। जॉब इनसिक्योरिटी इज अ की सोर्सेस, सीधी सी बात है ऐसी जगह पर आपको जॉब इनसिक्योरिटी लगातार बनी रहेगी। कोई डाउट बाउंड्री लेस हो करियर प्लानिंग में? चलिए, नोबडी इज हैविंग एनी डाउट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इट इन्वॉल्व द टू प्रोसेस, करियर प्लानिंग और करियर मैनेजमेंट। करियर प्लानिंग होती है वो इम्प्लॉय सेंटर्ड होती है कि इम्प्लॉयज को अगले 3 साल बाद कहां पर पहुंचाना है, 5 साल बाद कहां पर पहुंचाना है, 10 साल बाद कहां होगा, 15 साल बाद कहां होगा, दैट इज कॉल्ड इम्प्लॉय सेंटर्ड होती है। इसमें इम्प्लॉयज की स्किल्स को भी हम लोग देखते हैं कि इम्प्लॉयज की अभी कौन सी स्किल्स है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी स्किल्स की नीड है, उसके अनुसार उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेशर कोर्सेज या रिफ्रेशर ट्रेनिंग, उसको लगा टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। करियर जो मैनेजमेंट होता है वो कौन सा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर्ड होता है, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड बेनिफिट्स, बेटर द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, साइड वे मतलब सेम जगह पर जा रहे हैं। लक्ष्मी व्हाट इज योर नेम? आर यू ना व्हाट्सएप ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड है? अगर ऐड है तो किस नाम से ऐड है आप? साइडवेज या पैरेलल? ओके, प्लीज रिप्लाई। इंप्लाइज बेनिफिट इंक्लूड्स बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड करियर गोल्स, ठीक है। तो अगर करियर प्लानिंग और करियर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इंप्लाइज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ेगी, बेटर आइडेंटिफिकेशन होगा और डिजायर्ड करियर गोल्स, उसको पता है कि अगले 3 साल में कहां पहुंचेंगे, 5 साल में क्या पहुंचेंगे, 10 साल में कहां पहुंचेंगे। ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट इंक्लूड क्या होता है? कम्युनिकेशन ऑफ द करियर अपॉर्चुनिटी टू इंप्लाइज, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा करियर अपॉर्चुनिटी इंप्लाइज को। ए बेटर मैच बिटवीन द इंप्लाइज करियर एस्पिरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल अपॉर्चुनिटीज, ए बेटर मैच बिटवीन द इंप्लाइज करियर एस्पिरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो दोनों के बीच में एक बेटर मैच आउट होगा, इंप्लाइज की करियर एस्पिरेशंस कहां पर आप पहुंचना चाहते हो और ऑर्गेनाइजेशनल की अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज क्या है। अचीवमेंट ऑफ ईईओ गोल्स, Employer, employee, organizational goals, ठीक है। क्लियर है ना? ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा? कम्युनिकेशन ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज टू द एम्प्लॉयज, बेटर मैच एम्प्लॉयज करियर एस्पिरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल अपॉर्चुनिटीज, अचीवमेंट ऑफ ईईओ गोल्स, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दोनों बराबर मिलेगी सबको, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आज व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप, ठीक है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एडमिशन ले लिया आपने अभी तक की नहीं लिया है? एचआर प्लानिंग एंड करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इंप्लॉयज आर इंक्रीजिंगली कंसर्न अबाउट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्लॉयज आर इंक्रीजिंगली कंसर्न अबाउट देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देर आर ईओ लेजिस्लेशन प्रोसेस, ईओ भाई हो गया, इम्प्लॉय इक्वल इम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम,
Educational levels and employee aspirations are rising day by day. ये HR planning and career planning and development. Workers are making the transitions from vertical careers to lateral careers. And organizations have an increasing sense of obligations to employees. HR planning हम आपको बता चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे. बहुत डिटेल में पहले लेक्चर में आपको HR planning हमने अच्छे से पढ़ा दिया था. जिसने नहीं पढ़ा है तो कृपया करके फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, उसमें HR planning बहुत डिटेल में बताया गया है. HR planning matching the candidate supply with the job opening. HR demand होगा, HR supply. Demand में HR requirement, numbers, skill, occupation, performance, experience. HR inventory, numbers, skills, occupation, performance, experience. Forecasting, career planning, career management. ये हम आपको पूरा एक जब हमने first lecture में ये पूरा detail में समझा चुके हैं. Career planning कौन सी होगी? वो individual होगी. Self assessment होगा, करियर काउंसलिंग, चॉइस ऑफ जॉब असाइनमेंट, चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. भाई करियर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, असेसमेंट सेंटर, स्किल इन्वेंटरी, करियर लेडर्स, सक्सेशन प्लानिंग एंड आउट प्लेसमेंट, ये सब कुछ आपको हम बता चुके हैं. अब आए एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एम्प्लॉयज की क्या क्या जिम्मेदारी होती है? To analyze their situation, identify their career objective and develop the action step to achieve their objective. Employees की जिम्मेदारी क्या होती है? कि वो परिस्थितियों को analyze करे, identify their career objective. अच्छा ठीक है, समझ गया. Okay, got it. I'll add on your, हम आपको WhatsApp group में add कर लेंगे आज. To analyze their situations, पहले employees responsibility में क्या है? Analyze their situations. आप अपने situations को analyze करिए, identify their career objective, अपने career objective को identify करिए, develop the action step to achieve their objective. उसके बाद action लीजिए ताकि अपने objective को आप achieve कर सकें. Yes, got it, Lakshmi. Employees are responsible for keeping themselves marketable. Employees are responsible for keeping themselves. आपको कीपिंग देम मार्केटेबल का मतलब है आप मार्केट में खुद को सेल आउट कर सके, मार्केट में खुद को क्या कर सके, आप अपने आप को बेच सके. अपने आप को बेचने का मतलब यहां पर क्या कि आप नौकरी के योग्य हो, आप अपनी अब मार्केट की, क्योंकि आज के टाइम में सिनेरियो इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, उस इन्वायरमेंट को अपने आप में एडजस्ट करने के लिए यू हैव टू बी लर्न द स्किल्स, और आपको और लगातार अपडेट करनी पड़ेगी स्किल्स को, स्किल्स को अपडेट करनी पड़ेंगी, तभी जाके कहीं करियर आपका एडवांसमेंट हो पाएगा. तो एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देमसेल्फ. आप अपने आप को अप टू डेट रखिए, वॉट एवर द स्किल्स आर रनिंग इन द मार्केट, जो भी स्किल सेट चल रहे हैं उन स्किल सेट को लगातार सीखते रहिए और अपने आप को अप टू डेट करते रहिए, ताकि क्या होगा उससे ये फायदा होने वाला है कि मार्केट में जब भी नौकरी आएगी, जब भी अपॉर्चुनिटीज आएगी, उन अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब कर सकते हैं. अगर अप टू डेट नहीं होंगे, अप टू डेट नहीं होंगे, स्किल्स आपके अंदर नहीं होंगी, तो आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी. दैट इज द ओनली रीजन एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देमसेल्फ मार्केटेबल. इफ एम्प्लॉयज आर पैसिव देन दे विल लूज देयर एम्प्लॉयबिलिटी. अगर आप एक्टिव नहीं हो, पैसिव हो, तो आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी खो सकते हो, आप रोजगार के योग नहीं हो पाएंगे. अब आया एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन टू कंसिडर. कौन एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन टू कंसिडर. वॉट डू आई रियली वॉन्ट टू डू, हम एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं. वॉट डू आई नो हाउ टू डू, हम क्या कैसे करेंगे वो. वॉट करियर अपॉर्चुनिटीज कैन आई एक्सपेक्ट टू बी अवेलेबल, कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो अवेलेबल हो सकती हैं. वेयर डू आई वॉन्ट टू गो, हम कहाँ पर जाना चाहते हैं. वॉट डू आई नीड टू गेट देयर, हमको क्या वो पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा. हाउ कैन आई टेल हाउ विल आई एम डूइंग, हाउ कैन आई टेल हाउ विल आई एम डूइंग, हम कैसे बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं. हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ द बॉक्स, आई मीन अगर आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स अगर सोचना है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना भी पड़ेगा. वट कैन आई डू नाउ, अब मैं क्या कर सकता हूँ. तो एक एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक क्वेश्चन टू बी कंसिडर. ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठने चाहिए लगातार, तभी कहीं ना कहीं आप स्किल सेट जनरेट कर पाओगे. और एक बार स्किल सेट जनरेट कर लिया तो आप मार्केटेबल हो जाओगे. मार्केटेबल मतलब कि कोई भी जब भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में निकलेगी, उन अपॉर्चुनिटीज को आप इजीली ग्रैब कर लोगे. ठीक है, अब आया एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. पहला आया करियर काउंसलिंग. इट इन्वॉल्व द गिविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एडवाइस टू एम्प्लॉयज टू फैसिलिटेट देयर करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट.
एचआर डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो लगातार अपने एम्प्लॉयज की करियर काउंसलिंग करते रहे, ताकि उनको पता रहे कि उनका उनका करियर ग्रोथ कितना होने वाला है, करियर पाथ क्या है, या वट एवर द इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू गिव द एम्प्लॉयज, जो भी आपको लगता है कि ऐसी सभी इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉयज को देना चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन लगातार एम्प्लॉयज को देता रहिए, ताकि उनका करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट होता रहे। तो करियर काउंसलिंग का मतलब है इट इन्वॉल्व गिविंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, सलाह देते रहिए टू एम्प्लॉयज टू फैसिलिटेट देयर करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, दैट इज ऑल अबाउट द करियर प्लानिंग। अब एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एचआर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करियर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन बताते रहिए एम्प्लॉयज को, वोकेशनल गाइडेंस अगर लगता है आप वोकेशनल गाइडेंस दीजिए, वोकेशनल इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। करियर काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन, ऑन द जॉब अपॉर्चुनिटीज बताइए, करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, पब्लिसाइजिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, लगातार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज करिए, करियर ऑप्शन बताइए उनको, ऑन द जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं आपकी, और करियर काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन उनको दीजिए, वोकेशनल गाइडेंस दीजिए, करियर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन उनको लगातार देते रहिए। अब आया व्हाई यूज करियर प्लानिंग, हम लोग करियर प्लानिंग का यूज क्यों करते हैं, इट अलाइंस द स्ट्रेटजी एंड इंटरनल स्टाफिंग रिक्वायरमेंट। आप अपनी इट अलाइंस द स्ट्रेटजी, मतलब स्ट्रेटजी के साथ मैच कर सकते हो और इंटरनल स्टाफिंग रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आपको 4 मैनेजर चाहिए, आपके 10 लोग काम कर रहे हैं अभी, 10 लोगों में से आपको पता है कि अगले महीने 10 में से 2 लोग आपके 2 मैनेजर पहले से ही, तो आपको 2 मैनेजर और चाहिए, आपको पता है कि इन 10 में से 2 लोगों को क्या होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उनका करियर प्लानिंग लगातार करते रहेंगे, उनको करियर पाथ बताते रहेंगे, तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा, वो लोग भी मोटिवेट रहेंगे, वो लोग भी अच्छी तरीके से काम करेंगे इफेक्टिव मैनर में, और आपको भी पता होगा कि इंटरनल स्टाफिंग रिक्वायरमेंट को आप आराम से फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपके 10 में से 2 एम्प्लॉयज जो प्रमोट होने वाले हैं, तो रादर देन रिक्रूटिंग फ्रॉम आउट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिक्रूट मत करिए उनको, इंटरनली उनको क्या करिए, प्रमोट कर दीजिए। ठीक है, तो व्हाई यूज करियर प्लानिंग, करियर प्लानिंग का यूज क्यों होता है, अलाइन द स्ट्रेटजी एंड इंटरनल स्टाफिंग रिक्वायरमेंट, डेवलपिंग द प्रमोटेबल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को प्रमोट करिए लगातार, फैसिलिटेट द इंटरनेशनल प्लेसमेंट, यस, असिस्ट विद द वर्कफोर्स डाइवर्सिटीज, अलग अलग जगह के लोग काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड असिस्ट विद द वर्कफोर्स डाइवर्सिटीज, लोअर द टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब है कि कम, दैट इज कॉल्ड हाई रिटेंशन रेट। अब रिटेंशन रेट तो पता ही होगा, कई बार बता चुके हैं रिटेंशन रेट और रिटेंशन रेट, टैप द एम्प्लॉय पोटेंशियल, एम्प्लॉय के पोटेंशियल को पता करिए, एम्प्लॉय के पोटेंशियल के अनुसार उसको जिम्मेदारी दीजिए, ताकि आप मैक्सिमम ग्रैब कर सकें एम्प्लॉय के पोटेंशियल से, फर्दर पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज, सेटिस्फाई द एम्प्लॉय नीड्स एंड असिस्ट द अफर्मेटिव एक्शन प्लान, उसके अनुसार उसको अपना डिसीजन लीजिए, अफर्मेटिव एक्शन प्लान उसके अनुसार उसको कार्य करिए। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग करियर प्लानिंग करते हैं, अलाइन द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी से मैच आउट करिए, इंटरनल स्टाफिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, डेवलप द प्रमोटेबल एम्प्लॉयज, फैसिलिटेट द इंटरनेशनल प्लेसमेंट, असिस्ट विद वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, लोअर द टर्नओवर, टैप द एम्प्लॉय पोटेंशियल, फर्दर पर्सनल ग्रोथ, सेटिस्फाई द एम्प्लॉय नीड, असिस्ट द अफर्मेटिव एक्शन प्लान। अब आया फैक्टर्स इन करियर डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, परफॉर्मेंस, एक्सपोजर, क्वालिफिकेशंस, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, नेपोटिज्म, मेंटर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करियर डेवलपमेंट में आपको इंपैक्ट प्रभावित करते हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, एक्सपोजर कैसा है, सेल्फ प्रमोशन एसेंशियल है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा लिखा है, IIM से है, IIT से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, स्टेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, चॉइस, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब कंपनी की रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, नेपोटिज्म पता ही है आपको, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म चल रहा है, या तो आप हमेशा जब भी आपको एक हायर लेवल पर लोगों की जरूरत पड़ती है तो आप बाहर से लोगों को हायर करते हो, या आप क्या करते हो, क्या करते हो, या तो आप वही नेपोटिज्म के तहत आप कंपनी के मालिक को, कंपनी के सन को, कंपनी के सन इन लॉ को, कंपनी के ब्रदर को, कंपनी की डॉटर को आपने रिक्रूट कर लिया। मेंटर, अलाइन द पर्सनालिटीज एंड इंटरेस्ट, लगातार उसको मेंटरिंग, दैट इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स इन करियर डेवलपमेंट।
अब आया बेनिफिट ऑफ मेंटरिंग, लगातार अगर किसी को मेंटर करेंगे, मेंटरिंग करेंगे तो क्या बेनिफिट होता है? द प्रेस्टिजियस परफॉर्म बेटर एंड प्रोवाइड लॉन्गर सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग लगातार लंबे समय तक ही प्रोटेस्ट द परफॉर्म बेटर एंड प्रोवाइड, लोग ऐसे लोग लंबे समय तक ही आपके साथ काम करते हैं। मेंटरिंग द हेल्प कंपनीज इनकरेज एंड कैपिटलाइज ऑन डाइवर्सिटीज, कंपनीज को हेल्प करती है कि कैपिटलाइज द डाइवर्सिटी, जो भी डाइवर्सिटीज है उसको कैपिटलाइज करिए, उसको यूज करिए। मेंटरिंग द प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, हर एम्प्लॉयज का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। मेंटरिंग द हेल्प इंकल्केट कॉर्पोरेट वैल्यूज, मेंटरिंग द इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन विल बी इम्प्रूव, मेंटर्स कैन बफर द बोथ वुमेन विद द डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये करियर मिथ, करियर मिथ क्या होता है? रहस्य, मैथ मिथ में क्या होता है? रहस्य ना, लोगों का कहना है कि यूनिवर्सिटी डिग्री इज ए गारंटी फॉर गेटिंग ए गुड जॉब। एक अभी आपको देखा हो, एक कंपनी, एक क्रेड क्रेड कंपनी से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं, अभी टीवी पे ऐड भी बहुत आ रहा है क्रेड का। क्रेड का सीईओ कहता है कि फॉर गेटिंग ए गुड जॉब डिग्री डजेंट रिक्वायर्ड। तो उसने उसने लिख उसने बोला भी है, उसके उसका स्टेटमेंट भी आया था कल परसों में, उन्होंने बोला था कि वी हैव हायर्ड न्यूमरस नंबर ऑफ कैंडिडेट हु आर एक्चुअली कॉलेज ड्रॉप आउट, ऐसे कई सारे लोगों को हमने हायर किया है जो कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो एक एक करियर मिथ है, लोगों की एक मान्यता है, मान के चलते हैं कि यूनिवर्सिटी डिग्री इज गारंटेड फॉर ए गेटिंग जॉब, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी डिग्री के बाद एक नौकरी मिल जाए ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, बिग प्रॉफिटेबल कंपनीज ऑफर द जॉब सिक्योरिटीज, ये भी एक मिथ है। लोगों को लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिनको बहुत प्रॉफिट होता है वहां पे जॉब सिक्योरिटी होती है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आजकल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना के टाइम में हम लोगों ने देख लिया, लाखों लोगों को एमएनसी से निकाल दिया गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से। इफ यू परफॉर्म वेल योर जॉब विल बी सिक्योर, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत सारी जगह नेपोटिज्म चलता है, बहुत सारी जगह पर्सनल बायसनेस चलता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप अच्छा काम करोगे तो आपकी नौकरी सिक्योर रहेगी। दैट इज ऑल अबाउट द मिथ। एबिलिटी इन हार्ड वर्क विल लेट यू गो टू द टॉप, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत मेहनत से काम करोगे, आपकी योग्यता है तो आप टॉप पे चले जाओगे। इफ यू आर गुड एट योर जॉब यू डोंट हैव टू प्रमोट योर सेल्फ, कहने का मतलब अगर आप अपनी जॉब में अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो तो आपको खुद को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। टॉप परफॉर्मेंस गेट द प्रमोशन एंड द बिग पे इंक्रीज, जो अच्छा परफॉर्मेंस होता है, ये तो समाओ ठीक भी है और समाओ ये मिथ भी है। टॉप परफॉर्मर्स गेट द प्रमोशन एंड 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 द बिग पे इंक्रीज, जरूरी नहीं है कि टॉप टॉप प्रमोशन परफॉर्मर्स आए उनको प्रमोशंस मिले या उनको बिग पे इंक्रीजेस मिले। यू कैन हैव अ बैलेंस वर्क फैमिली लाइफ एंड गेट टू द टॉप, नहीं जरूरी है। इफ योर परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग यू विल बी रिवॉर्डेड, अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जरूरी नहीं है। नेटवर्किंग एंड मेंटरिंग आर नॉट नेसेसरी फॉर सक्सेस इफ यू आर ए टॉप परफॉर्मर, अगर आप टॉप परफॉर्मर हैं तो आपको नेटवर्किंग और मेंटरिंग की जरूरत नहीं है। मेंटरिंग की जरूरत आपको लगातार पड़ेगी, नेटवर्किंग की जरूरत भी आपको लगातार पड़ेगी। इफ यू कीप योर सेल्फ अप टू डेट यू विल ऑलवेज बी गारंटेड अ गुड जॉब, अगर अपने आप को अप टू डेट रखोगे यू विल बी ऑलवेज अ गारंटेड अ गुड जॉब। कभी कभार ऐसा नहीं कि हमेशा आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, कभी कभार मार्केट में रिसेशन चल रहा है, मंदी के दौर से गुजर रहा है, आपके पास कितना भी स्किल्स हो, कितने भी अप टू डेट होंगे, उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती। दैट इज ऑल अबाउट द करियर मिथ। करियर प्लेटिंग, ये करियर प्लेटिंग की बहुत एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है। यहां तक कोई डाउट हो बताइए। करियर
यस, करियर प्लॉटिंग का मतलब है द पॉइंट इन एन इंडिविजुअल करियर वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर एडवांसमेंट इज नेग्लिजिबल। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए जहां पर आप पहुंच के स्टेक हो गए, स्टेगनेशन वाली स्टेज हो गई है, जहां पर आपको देर इज नो चांसेस ऑफ ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड करियर प्लेटरिंग। आप मैक्सिमम ग्रोथ पे पहुंच गए, उससे ऊपर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव होता है जो वो आप वो लोग क्या वो आप वहां पे आपको नहीं रखेंगे। तो करियर प्लॉटिंग इज अ कंडीशन वेयर द देर इज नो चांसेस ऑफ एडवांसमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं करियर प्लेटिंग। मे स्टीम फॉर ए ट्रेड ऑफ बिटवीन करियर प्रोग्रेशन एंड अ मोर बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। समझते करियर प्लेटिंग कि आप मैक्सिमम मान लीजिए पहुंच गए आप वाइस प्रेसिडेंट तक ही पहुंच गए, अभी भी आपकी नौकरी रह गई है 10 साल 15 साल की, आपको लगता नहीं आप प्रेसिडेंट पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट कौन है? कंपनी का मालिक, अगर प्राइवेट में नौकरी में काम कर रहे हैं आप। तो करियर प्लेटिंग का मतलब है द पॉइंट इन एन इंडिविजुअल करियर वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्दर एडवांसमेंट इज नेग्लिजिबल और जीरो। तो ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं? करियर प्लेटिंग, ठीक है। करियर ट्रांजिशन क्या होता है? इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट चेंज इन अ पर्सन करियर। तब कभी लाइफ में कभी करियर में आपको बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट चेंज मिल जाता है, उसको बोलते हैं करियर ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन की स्टेज से पहुंच रहे हैं आप, गुजर रहे हैं। ड्यूअल करियर क्या होता है? फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, काउंसलिंग, इफेक्टिव करियर मैनेजमेंट, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड वर्क फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, मतलब 9 से 5 का फिक्स नहीं है, 10 से 6, 11 से 7, 12 से 8, करना 8 ही घंटे नौकरी, कभी भी 8 घंटे नौकरी कर लीजिए आप। काउंसलिंग लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, इफेक्टिव करियर मैनेजमेंट, चाइल्ड केयर, सपोर्ट विद द ट्रांसफर रिलोकेशन, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल करियर। दे आर अपार्ट फ्रॉम द वर्क, दे आर असिस्टिंग यू इन सम सोशल मैनर ऑल्सो। अब आया वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। इट इज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट टू अचीव सक्सेस एज इट इज ट्रेडिशनली डिफाइंड बी सर्विंग एज अ फैमिली प्राइमरी केयर गिवर एंड द हाउस कीपर। इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्क एंड फैमिली विद द डिमांड ऑफ द जॉब बिकमिंग ऑल कंज्यूमिंग। तो वर्क फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होने की हाउ टू डील विद द कंप्यूटिंग डिमांड ऑफ वर्क एंड फैमिली एज अ मेजर चैलेंजेस नाउ फेसिंग एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर्स एंड एचआर मैनेजर। आज के टाइम में देयर इज अ बहुत बड़ा दिक्कत है वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का। इट इज टोटली अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट टू अचीव सक्सेस एज इट इज ट्रेडिशनली डिफाइंड वाइल सर्विंग एज अ फैमिली प्राइमरी केयर गिवर एंड द हाउस कीपर। तो वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग। उसमें कॉन्फ्लिक्ट से उससे कम करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने के लिए व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू। तो आपको कहीं ना कहीं आपको अपने आप में पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यू हैव टू बी जस्टिफाई द वर्क लाइफ बैलेंस। आपको दोनों चीज़ें अलग अलग रखनी पड़ेंगी, यू हैव टू बी जिसको हम लोग बिल्कुल प्रॉपर आपको गैप देना पड़ेगा वर्क एंड फैमिली में, दोनों में से। डाउन शिफ्टर्स एंड फ्लेम आउट ट्रैक। डाउन शिफ्टर्स का मतलब है इंप्लाइज हु मेक ए वॉलंटरी लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल चेंज इन्वॉल्विंग लेस वर्क इनकम एंड कंजम्पशन। सीधी सी बात है, डाउन शिफ्टर्स का मतलब है कि उन्हें लगता है कि नहीं, दे विल गिव द मोर प्रेफरेंस टू द फैमिली रादर देन द वर्क। तो उन लोगों का होता है कि वो लोग लॉन्ग टर्म लाइफ स्टाइल में अपना चेंजेस कर लेते हैं, इन्वॉल्विंग लेस वर्क, काम लेस करेंगे, इनकम कम होगी, कंजम्पशन भी कम करेंगे, बट कहीं ना कहीं दे विल ट्राई टू मोर फोकस ऑन द फैमिली। तो डाउन शिफ्टर्स होते हैं। फ्लैम आउट ट्रैक क्या होता है? व्हेन एम्प्लॉइज वर्क टू एक्सेस देन क्वाइट टू टेक एन ओपन साइडेड सेबेटिकल। सेबेटिकल क्या होता है कि उनको लगता है कि हम लोग कुछ समय तक की बढ़िया काम करेंगे, कुछ समय तक की खूब काम करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, उसके बाद एंड देन क्विट टू टेक एन ओपन हैंडेड, फिर छोड़ देंगे और सेबेटिकल वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे हम लोग। तो डाउन शिफ्टर्स में क्या है, आपने क्या करा, आपने आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, वॉलंटरी लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, फोकस कर रहे हैं वर्क पे कम फोकस कर रहे हैं, फैमिली पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इनकम भी कम होगी, कंजम्पशन भी कम होगा। फ्लैम आउट ट्रैक में यू आर वर्क एक्सेस और एक्सेस कर रहे हैं, देन क्विट टेक इन द ओपन एंडेड सेबेटिकल, ठीक है। नया टर्मिनोलॉजी है आउट प्लेसमेंट। आउट प्लेसमेंट क्या होता है? जब भी किसी इंप्लॉयड को हम टर्मिनेट कर देते हैं या लोग नौकरी से छोड़ के चले गए, उन इंसान को दूसरी जगह नौकरी कैसे लगवानी है, उनको आप रेफरेंस दे रहे हैं कि देर आर न्यूमरस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन अ कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन अप्लाई। तो ऐसे लोगों को जिसको आप टर्मिनेट कर रहे हो, जिसको आप टर्मिनेट कर रहे हो, उनको टर्मिनेट करने के बाद उनको लोगों को असिस्ट कर रहे हो नौकरी नौकरी के लिए, दैट इज कॉल्ड आउट प्लेसमेंट। आउट प्लेसमेंट इज टू हेल्प ए टर्मिनेटेड एम्प्लॉय टू लोकेट ए न्यू करियर। उसको नया जॉब बता रहे हैं कि जाइए, आपने मान ली टाटा से आपने टर्मिनेट कर दिया,
आपको लग रहा है कि इंफोसिस में नौकरी है अभी या विप्रो में नौकरी है, तो उसको बता रहे कि यू कैन अप्लाई इन विप्रो और यू कैन अप्लाई इन इंफोसिस और यू कैन अप्लाई इन सम अदर आईटी फर्म जहां पर भी नौकरी है। तो आउटप्लेसमेंट में, आउटप्लेसमेंट यही टर्मिनोलॉजी है कि जिस इंसान को टर्मिनेट कर गया उसी, जो लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं उसको हम असिस्ट कर रहे हैं, जाइए यहाँ पर अप्लाई करिए ताकि आपको एक नौकरी मिल जाएगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द आउटप्लेसमेंट कंसल्टेंट बारी टर्मिनेशन प्रोसीडर्स, करियर रिव्यूलेशन, इंटरव्यू ट्रेनिंग, रिज्यूम राइटिंग, जॉब सर्च टेक्निक एंड ऑफिस फैसिलिटीज एटसेट्रा। तो आउटप्लेसमेंट में हम लोग कई सारे टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि करियर रिव्यूलेशन उसको कैसे करना है, इंटरव्यू की ट्रेनिंग दे दिया, रिज्यूम कैसे लिखना है आपको, रिज्यूम राइटिंग हो गई, जॉब सर्च टेक्निक उसको बता दिया, ऑफिस फैसिलिटीज बता दिया। तो हम लोग किसी भी तरीके से उसको हेल्प कर सकते हैं टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज को, ताकि उसको एक नौकरी मिल सके, दैट इज कॉल्ड आउटप्लेसमेंट। इट्स यूज बाय द इंडस्ट्रीज एंड ग्रोन रैपिडली एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, बिजनेस रैशनलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्निशन ऑफ देयर ऑब्लिगेशन टू हेल्प डिस्प्लेस एम्प्लॉयज एस्टेब्लिश अ न्यू करियर। इससे आपकी ब्रांड इमेज भी बढ़ती है, कहीं ना कहीं आपने किसी एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया उसके बावजूद भी उसको एक नई नौकरी बता रहे हैं आप, एज ए कॉल ले रहे हैं आप, एज ए कटसी कॉल आप उसको कहीं ना कहीं उसको असिस्ट कर रहे हैं, उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटप्लेसमेंट। कोई डाउट यहां तक आउटप्लेसमेंट में, कोई डाउट आउटप्लेसमेंट की बात करिए, या पास्ट में वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हमने बताया आपको, या इससे पहले ड्यूअल करियर बताया, जो भी आउटप्लेसमेंट में कोई डाउट बताइए। जॉब इनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, ये क्या होता है जॉब इनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट? इट इज अ प्रोसेस बाय इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ ए जॉब बाय एडिंग मोर टास्क टू इट, द रिलेटेड टास्क आर कंबाइंड, द वाइडेंड एंड मोर कॉम्प्लेक्स जॉब इज एक्सपेक्टेड टू सेटिस्फाई द हायर ऑर्डर नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, इट रिड्यूस द मॉनिटरी एंड बोर्डम बाय द प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयज ए मोर कॉम्प्लीट और होल जॉब टू डू, इट ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन अ वर्क एंड एफिशियंसी, हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ जॉब्स, मोर टास्क ऑफ सिमिलर नेचर एडेड टू द जॉब। जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है, आप एक लेवल पे नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए सेल्स मैनेजर की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो जॉब इनलार्जमेंट जॉब को इनलार्ज कर रहे हैं, जॉब को बढ़ा रहे हैं, आपको हॉरिजॉन्टल होता है ये, जैसे ठीक है ये जैसे वर्टिकल होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, आप सेम लेवल पर काम करेंगे मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया जाएगा, एडिशनल ड्यूटीज दे दी जाएंगी आपको, एडिशनल टास्क दे दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड जॉब इनलार्जमेंट। तो जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है, आप मार्केटिंग का काम कर रहे थे साथ में सेल्स का भी काम करने लगे, एडवर्टाइजिंग का काम भी करने लगे, आपको विदाउट गिविंग एनी मॉनेटरी बेनिफिट, विदाउट गिविंग एनी इंक्रीमेंट इन सैलरी, विदाउट गिविंग इन एडवांसमेंट ऑफ द करियर, दैट इज कॉल्ड जॉब इनलार्जमेंट। तो जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है कि आपका वाइडली होता है, आपका हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा, आप सेल्स मैनेजर भी काम कर रहे हैं मार्केटिंग में, मार्केटिंग के साथ आपको एडवर्टाइजिंग का काम भी दे दिया गया और आपको सेल्स प्रमोशन का काम दे दिया गया और सेल्स का काम भी दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड जॉब इनलार्जमेंट। सब जॉब को बढ़ा रहे हैं विदाउट गिविंग एनी मॉनिटरी बेनिफिट, विदाउट गिविंग एनी मोर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विदाउट गिविंग एनी सैलरी इंक्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड जॉब इनलार्जमेंट। क्लियर? जॉब एनरिचमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इन्वॉल्व डिजाइनिंग ए जॉब इन सच ए वे दैट इट प्रोवाइड द वर्कर्स ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हिज ओन परफॉर्मेंस। ये वर्टिकल होती है, आपका करियर एडवांस कर दिया, इनरिच, और नाम से समझ आ रहा है कि इनरिच कर दिया, अमीर कर दिया, इनरिचमेंट मतलब यहाँ पर आपको सकता है वो मॉनेटरी बेनिफिट भी दे दे, अचीवमेंट भी आपको दिखाएं, रिकॉग्निशंस भी बताएं आपको, करियर में एडवांसमेंट भी मिले, ग्रोथ भी मिले, ठीक है। तो जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है, आपको साथ साथ में आपको मैनेजर, आपको सेल्स मैनेजर काम की जगह जाकर आपको पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूरा मैनेज करने को दे दिया गया, आपको एचआर मैनेजर भी, एचआर का काम भी आपको दे दिया गया, बट उसके साथ साथ आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं, आपको अचीवमेंट को भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, पहचान भी मिल रही है आपको, जिम्मेदारी भी मिल रहा है, एडवांसमेंट भी हुआ, ग्रोथ भी हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, आपका एक एक कदम आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जॉब इनरिचमेंट
में इट इन्वॉल्व डिजाइनिंग ए जॉब इन सच ए वे दैट इट प्रोवाइड द वर्कर्स ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हिज ओन परफॉर्मेंस. इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट इन ऑर्डर टू मोटिवेट इंप्लॉयज द जॉब इटसेल्फ मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीवमेंट रिकॉग्निशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवांसमेंट एंड ग्रोथ थ्रो जॉब इन्वेस्टमेंट ए जॉब इज मेड मोर इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग thereby removing the functions of narrow specialization. It involves vertical loading of job and quality of jobs are improved. समझ गए. तो जॉब इनलार्जमेंट वर्टिकल होता है, जॉब इन्वेस्टमेंट ओरिजेंटल होता है. जॉब इनलार्जमेंट में आपको होता नहीं काम थोप दिया गया, काम एडिशनल काम आपको दे दिया गया, पहले वाला काम आपको हो नहीं रहा था और काम आपको दे दिया गया, आपकी काम बढ़ा दिया गया विदाउट गिविंग एनी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट. तो जॉब इन्वेस्टमेंट में आपको उसका मॉनिटरी बेनिफिट दे, मॉनिटरी नहीं देंगे तो कम से कम नॉन मॉनिटरी बेनिफिट देंगे, आपको रिकॉग्निशन देंगे, आपको पहचान बनाएंगे, आपकी जिम्मेदारी देंगे, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ा सकते हैं, आपको करियर का एडवांसमेंट करेंगे, ग्रोथ करेंगे, दैट इज कॉल्ड जॉब इन्वेस्टमेंट. कोई डाउट इन्वेस्टमेंट और इनलार्जमेंट पे, कोई डाउट? इन्वेस्टमेंट और इनलार्जमेंट पे कोई डाउट? चलो आगे बात करते हैं. ले ऑफ रिट्रेंचमेंट. ले ऑफ क्या होता है? जब हम लोग किसी को टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हैं ड्यू टू द, जैसे कि कोविड है, कोविड के समय कुछ लोगों ने परमानेंट निकाला है तो उसको बोलेंगे रिट्रेंचमेंट. कुछ लोगों ने 3 महीने 4 महीने जब कोविड चल रहा है उस दौरान किसी को निकाल लिया उसको बोलते हैं ले ऑफ. ठीक है, तो टेम्परेरी किसी को नौकरी से निकालना उसको ले ऑफ बोलते हैं, परमानेंट किसी को निकालना उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट. ठीक है, तो इट इंप्लाइज टेम्प्रेरी रिमूवल ऑन इंप्लाइज फ्रॉम द पेरोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय. ऐसी कुछ परिस्थितियां आ गई, ऐसी कुछ कंडीशंस आ गई जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है. कोविड हुआ पिछली साल 6-7 महीने लॉकडाउन रहा, इस बार लॉकडाउन रहा तो कहां से सैलरी दे, तो इसको बोलते हैं ले ऑफ. दोबारा जब रिज्यूम होगा तो उसको बुला लेंगे. रिट्रेंचमेंट होता है इट मीन्स परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय सर्विस फॉर इकोनॉमिक रीजंस फॉर गोइंग कंसर्न. आपका काम बंद हो गया, आपके पहले 4 प्लांट चल रहा था, अब एक ही प्लांट चल रहा है, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट. जब किसी को परमानेंट निकालेंगे रिट्रेंचमेंट, टेम्परेरी निकालेंगे तो ले ऑफ. एग्जिट इंटरव्यू. एग्जिट इंटरव्यू के जब कोई नौकरी आदमी छोड़ देता है, रेजिग्नेशन के बाद जो एक इंटरव्यू होता है जिसमें लोग फीडबैक लेते हैं कि क्यों आप नौकरी छोड़ना चाहते हो, नौकरी क्यों आपने रेजिग्नेशन दिया, उसको बोलते हैं एग्जिट इंटरव्यू. इट इज एन इंटरव्यू हेल्ड विद एन एम्प्लॉय हु इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी. जब कोई इंसान अपना अपना खुद से, खुद की इच्छा से जब कोई नौकरी छोड़ता है उसका हम लोग इंटरव्यू लेते हैं. उससे हम लोग इंटरव्यू लेने से क्या फायदा होता है, उससे फीडबैक लेते हैं हम लोग. द पर्पज ऑफ एन एग्जिट इंटरव्यू टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई द एम्प्लॉय इज लीविंग. एक मुद्दा इसका पता करने का, एक एग्जिट इंटरव्यू लेने का मतलब ये होता है, मेन कारण ये होता है पता लग जाए कि किन कारणों की वजह से कोई नौकरी क्यों छोड़ रहा है. ये बाद में बताएंगे मोरल, इसका टॉपिक नहीं है. मैन पावर प्लानिंग. मैन पावर प्लानिंग क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू फैसिलिटेट द करियर प्लानिंग. इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द एचआर अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपेंशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन. बट करियर प्लानिंग है ओनली टेल अस हु कुड सक्सेस इन केस ऑफ रिटायरमेंट डेथ एंड. मैन पावर प्लानिंग होता है कि कितने लोगों की जरूरत है. मैन पावर प्लानिंग हम लोग इसलिए करते हैं, अगर आप अपने व्यापार का एक्सपेंशन करना चाह रहे हो, ग्रोथ करना चाह रहे हो, कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना चाह रहे हो, तो मैन पावर प्लानिंग इज ऑल अबाउट हाउ मेनी पर्सन यू आर रिक्वायर, हाउ मेनी पर्सन आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड हाउ मेनी पर्सन यू आर रिक्वायर. तो एक पूरे ओवरऑल हम लोग मैन पावर की जो प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग. सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग होता है जब उनको लगता है कि जो की मैनेजर पोजिशन होती हैं, जो एक इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसमें अगर ऐसी पोजीशंस को कोई छोड़ के जा रहा है, अगर ऐसी पोजीशंस को कोई अगर छोड़ के जा रहा है तो उसको हम लोग कैसे कंपनसेट करेंगे. कंपनसेट मतलब कैसे उसको फुलफिल करेंगे. तो वी शुड हैव ऑलवेज सम सर्टेन बैकअप. सो सक्सेशन प्लानिंग इज ऑल अबाउट इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट क्वालिफाइड पर्सन आर अवेलेबल. आपके पास क्वालिफाइड पर्सन हमेशा होने चाहिए. अगर कोई अचानक से कोई डेथ हो गई किसी की, कोई रेजिग्नेशन हो गया,
या कोई किसी कारणों की वजह से किसी ने नौकरी छोड़ दिया, तो वी शुड हैव सम सर्टेन क्वालिफाइड पर्सन ताकि वो की मैनेजर पोजिशन को क्या कर सके, काम कर सके वहां पे. तो सक्सेशन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट क्वालिफाइड पर्सन आर अवेलेबल टू एज्यूम की मैनेजर पोजिशन वेन एवर दिस फॉल वैकेंट ड्यू टू द अल्टीमेटली अनटाइमली डेथ, प्रीमैच्योर फायरिंग, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट. अगर कोई अनटाइमली डेथ हो गई किसी की, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया, किसी को टर्मिनेट कर दिया गया, रिजिग्नेशन हो गई, किसी का रिटायरमेंट हो गया, तो किसी कारणों की वजह से कोई अगर नौकरी छोड़ता है जो जो की मैनेजरियल पोजीशंस हैं, तो वहां पर आपके पास ऐसे इंसान होने चाहिए, आपको ऐसी प्लानिंग करके रखना है ताकि ऐसे लोगों को आप क्या कर सके, वहां पे फिट बैठा सके. ये सब कोई बता ही चुके हैं आप पहले. फिर हुआ क्वालिटी सर्कल्स. एक क्वालिटी सर्कल्स इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम द सेम ग्रुप और रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं ताकि वो अपने काम की प्रॉब्लम को पहचान सके, एनालाइज कर सके और उनको सॉल्व कर सके. उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटी सर्कल. जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में ग्रुप फॉर्म करके वो लगातार मिलते हैं, आइडेंटिफाई कर सके इन प्रॉब्लम्स को, एनालाइज कर सके, सॉल्व कर सके. अब आया गोल्डन पैराशूट और पीटर प्रिंसिपल. गोल्डन पैराशूट होता है जब हम लोग किसी को टर्मिनेट करते हैं इंप्लाइज से, जब किसी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को अगर आप टर्मिनेट कर रहे हैं तो उसको कंपनसेट करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं गोल्डन पैराशूट. अगर आप किसी टॉप लेवल इंप्लाइज को नौकरी से निकालोगे, भले आप किसी सीईओ को, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मतलब अगर जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को अगर नौकरी से टर्मिनेट किया जाता है, तो एक कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उसको कुछ कंपनसेट करे. जैसे गूगल के सीईओ को अगर सुंदर पिचाई को अगर गूगल निकालता है, तो गूगल की जिम्मेदारी उसको कुछ कंपनसेट करेंगे, क्योंकि सीईओ की नौकरी इतनी जल्दी दोबारा नहीं मिलेगी. तो इसीलिए टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को नौकरी से निकालने के बाद, टर्मिनेट करने के बाद, अगर नौकरी से कोई छोड़ के जा रहा है तो उसको कंपनसेट करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं गोल्डन पैराशूट रूल. समझ गए? तो गोल्डन पैराशूट रूल इज ऑल अबाउट इफ समबडी इज इफ सपोज दैट यू आर टर्मिनेटिंग एनी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव या कोई नौकरी से छोड़ के जा रहा है टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, उसको कंपनसेट करना पड़ता है मॉनिटरी, इसको बोलते हैं गोल्डन पैराशूट. अगला आया पीटर प्रिंसिपल. पीटर प्रिंसिपल क्या होता है? पीटर प्रिंसिपल बच्चा ये होता है किसी इंसान को वहीं तक कि आप उसको करियर एडवांसमेंट करिए जहां तक कि उसकी प्रोडक्टिविटी सही दिखे. अगर किसी इंसान की कैपेसिटी है, मान लीजिए किसी ने ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव में, फिर आपने उसको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, फिर मैनेजर बना दिया, फिर सीनियर मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, फिर आपने उसको जीएम, जीएम के बाद वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट. सपोज दैट अगर आपको पीटर प्रिंसिपल का मतलब है एक इंसान को जब तक कि केवल उसको प्रमोट करिए जहां तक कि उसकी प्रोडक्टिविटी सही आ रही है. क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी अगर आपको लगातार उसको अगर प्रमोट करते रहे, वो प्रोडक्टिविटी उसकी नेगेटिव हो गई तो बेकार हो जाएगा. तो पीटर प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट दुनिया के हर इंसान की कैपेसिटी नहीं है कि प्रधानमंत्री बन जाए, सांसद, पार्लियामेंट, एमपी कितने बनते हैं? 545. प्रधानमंत्री एक ही बनता है ना. हर इंसान को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, हर इंसान को प्रेसिडेंट नहीं बना सकते. बहुत लोगों के अंदर टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती. तो पीटर प्रिंसिपल का मतलब यह है कि अगर आपको लगातार प्रमोशन किसी को देना, प्रमोशन तभी तक ही दीजिए जहां तक कि काम उसकी प्रोडक्टिविटी दिख रही है, उसके आगे नहीं देना, उसको बोलते हैं पीटर प्रिंसिपल. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट डू टेल मी. बताइए. किसी को कोई डाउट हो तो बताइए.
किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से. एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? लक्ष्मी, आयुषी, कहता मैम, यू, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट बताइए. किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बताइए. चलो, वंस अगेन थैंक यू सो मच.